दिशा। आपने बुलाया साहब? क्या बात है, आपका दिल क्या इस नौकरी से भर गया क्या? मैं समझा नहीं साहब। समझ तो तुम सब कुछ गए। जिसकी शह पे आजकल आप ये बदले हुए रंग दिखा रहे हैं ना, वो ज्यादा दिन इस घर में रहने वाली नहीं है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे और उसके मामले से अलग रहें। समझ गया? जी साहब, कहना तो नहीं चाहिए, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, उसका अपमान। बप्पा, ये सब क्यों हो रहा है? कैसे कर पाऊंगी मैं ये सब? जो फैसला मैंने अपने परिवार की भलाई के लिए लिया, वही मेरे परिवार वालों को शर्मिंदगी के भंवर में डुबो देगा। पापा, मैं क्या करूं? बस घबरा गई। कुर्बानी देना इतना आसान नहीं है दिशा, तुमने तो बहुत सोच समझ कर फैसला लिया था ना, फिर अब क्यों घबरा रही हो? मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए घबरा रही हूँ। रानू, आई, आजोबा, इंदर, क्या गुजरेगी सब पर? अब तो उनके लिए तुम्हारा वजूद भी खत्म हो चुका है, और फिर इस दुनिया में कोई भी चीज पाने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ती है, इसलिए अपने कदमों को लड़खड़ाने मत दो। आगे बढ़ो दिशा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दिशा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मजबूरी में उठाए हुए कदम कमजोर पड़ गए हैं, लड़खड़ाने लगे हैं, मुझसे नहीं होगा। तो रोको, रोको दिशा, अपने कदमों को लड़खड़ाने से रोको, वरना आज दिशा के साथ साथ उसके बाबा भी हार जाएंगे, और जीत जाएगा वो डीके। हिम्मत करो दिशा, तुम्हें अपने बाबा से किया हुआ वादा पूरा करना है। अगर उस डीके को उसके गुनाहों की सजा नहीं मिली, तो तुम्हारे बाबा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी नहीं, कभी नहीं दिशा, कभी नहीं। बदतमीज, मालिकों से जुबान लड़ाते हैं? देव, ये क्या कर रहा हूं मैं? अपनी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़कर भाग रहा हूं? सारी मुसीबतों की जड़ वो टीके है, जब तक वो है मेरी बेटी की मुसीबतों का कोई अंत नहीं होगा। और जब तक मेरी बेटी की मुसीबतों का अंत नहीं होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। इंदर,
लव लेटर है? तुम इसे लव लेटर कहते हो? अरे, मुझे क्या पता लव लेटर कैसा होता, पहली बार लिखा मैंने। अब इसमें तो मेरी 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 फीलिंग्स, मेरी मेरे प्यार को देखने के बजाय तुम मेरी गलतियां ढूंढ रही हो, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ढूंढ रही हो उसमें। फिर मैं क्या करूं, इसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स है कि फीलिंग्स कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और ऊपर से तुम्हारी शायरी, ओह माय गॉड। इंदर सुनो, एक काम करो, तुम आगे से लव लेटर मत लिखना प्लीज। और शायरी तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हें मालूम है वो शायरी किसकी है? इतने बड़े शायर की है, और मैं तुम्हारे लिए लिखी थी वो। पता है, पता है, लेकिन वो शेर देशभक्ति का है, भारत माता के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं। सुनो सुनो सुनो, अर्ज किया है। रहने दो, रहने दो, बहुत हो गया मेरी शायरी की। कितने प्यारे लग रहे हो, रूठे हुए से, नाराज से। हेलो हेलो, हेलो हेलो, मैं जानता हूं दिशा, तुम ही हो, तुम्हारी तो खामोशी भी पहचानता हूं मैं। तुमने जैसा कहा था मैं वैसा ही कर रहा हूं, रानू से शादी कर रहा हूं, अब तो खुश हो ना? थैंक्स इंदर। थैंक्स किस लिए? क्या मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? अब तुम मेरी एक बात मानोगी दिशा? बोलो। मुझे आज के बाद कभी फोन मत करना, मैं तुम्हें एक सुहाने सपने की तरह याद रखना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत सुंदर सपना था, मगर था तो सपना ही ना, वो सच कैसे हो सकता था? भाई दिशा, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी तुम्हारी दिशा। अगर यादें मिटाने से मिटती हैं, तो मैं आज सारी यादें खत्म कर दूंगा। सब कुछ इतना ऑब्वियस था, कोई भी समझ सकता था सिवाय मेरे। दी ने भी मुझे सच नहीं बताया, मेरे लिए चुपचाप अपने आंसू पिए जा रही थी। क्यों? मैं समझ सकती हूं, लेकिन तुम इंदर, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? दिशा के लिए, वैसे घर में सब जानते हैं सच्चाई के बारे में,
हो तो मुझे अंधेरे में रखने की कॉन्स्पिरेसी में सबके सब शामिल हो। और मैं कहा थी सातवें आसमान पर, लेकिन अब मुझे अपने आप से इतनी नफरत हो गई है कि मैं अपनी बी की खुशियां छीनकर खुश कैसे रह सकती थी इंदर? तुम सबने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया है इंदर। अब जो हो गया है उसे कोई नहीं बदल सकता, सब भूल जाओ। वैसे तुम्हारी दीवी यही चाहती थी। और मैं क्या चाहती हूँ? मेरी खुशियां किसमें है इसका फैसला कौन करेगा इंदर? फैसला मैं करूंगी, सिर्फ मैं। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती इंदर, नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती इंदर, नहीं कर सकती। ये कैसा सपना था पापा? इस सपने को सपना ही रहने देना, कभी हकीकत मत बनने देना प्लीज। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया, जिसका कोई भविष्य नहीं उस अतीत को मरना ही पड़ेगा। इंदर, तुम दी की तस्वीर इस तरह से क्यों? इंदर आखिर क्यों? मम्मा और काकी की तरह तुम भी दी से नफरत करने लगे हो, और वो भी इतनी नफरत कि तुम उनकी तस्वीर को इस तरह से। मुझे लगता था कम से कम तुम तो दी को समझ पाओगे, लेकिन अब लगता है कि दी की तरफ मेरे सिवा और कोई नहीं है, तुम भी नहीं। इंदर प्लीज, कम से कम दी को इंसान दिलाने में तुम तो मेरी मदद करो, मेरा साथ दो इंदर, मेरा साथ दोगे ना इंदर? इंदर दी बहुत अकेली है और मैं नहीं जानती कि मैं अकेली उनके लिए कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं। प्लीज इंदर, नहीं रानू, तुम अकेली नहीं हो रानू, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। सचिन, थैंक गॉड तुम मेरे साथ हो। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया, चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया, ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया,
देखे थे जो मेरी आंखों ने, वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे, उन यादों को भूलू किस तरह, कैसे मैं भुला दूं, मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे बिटिया। अरे बाबा, आप सोए नहीं अभी तक? तुम भी तो जाग रही हो अभी तक। क्या करूं, इस घर में कुछ काम धाम तो है ही नहीं, बिना थके नींद कैसे आएगी। बिटिया, ये आंखें बूढ़ी जरूर हो गई हैं, मगर सच्चाई इन्हें अभी भी साफ साफ दिखाई देती है। और मैं जानता हूं कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आई। बिटिया, तुम यहां से भाग जाओ, चली जाओ इस सोने के पिंजरे को तोड़कर। बाबा? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मगर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो वो चाहता है। इसीलिए कह रहा हूं बिटिया, भाग जाओ यहां से। अपने से हजार गुना ज्यादा ताकतवर इंसान से लड़ना अकलमंदी नहीं, खुदकुशी है, आत्महत्या है। आपको मेरी इतनी चिंता है, ये जानकर अच्छा लगा बाबा, लेकिन मैं ये मैदान छोड़कर नहीं भाग सकती। आत्महत्या ही सही, लेकिन मैं लड़कर मरना ज्यादा पसंद करूंगी। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? मुझे मेरा गौरव वापस मिल जाएगा, वही आत्मगौरव जिसे खोकर मेरे बाबा जी नहीं पाए। आज अगर मैं ये मैदान छोड़कर भाग गई तो ये साबित हो जाएगा कि मैं सचमुच उस कायर पिता की बेटी हूं जो सच्चाई से लड़ने की बजाय मुझे अनाथ छोड़कर भाग गए थे। मैं सचमुच उस कायर पिता की बेटी हूं जो सच्चाई से लड़ने की बजाय मुझे अनाथ छोड़कर भाग गए थे, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर मैं इस संघर्ष में मर भी गई तो भी जीत मेरी ही होगी, क्योंकि इससे ये साबित हो जाएगा कि मैं स्वर्गीय विजेंद्र भोसले की बेटी हूं जो अपने सम्मान के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहे, और मैं उनकी दिशा बनना ज्यादा पसंद करूंगी।